साल 2014 के आम चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के बाद सत्ता में आई मोदी सरकार अक्सर बड़े फैसले लेकर लोगों को चौंकाती रही है, फिर चाहे वो नोटबंदी हो या फिर रेल बजट को आम बजट में शामिल करने का फैसला। बड़े फैसले लेने में माहिर मोदी सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी साल में भी एक और इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो पुराने रिवाजों को तोड़ते हुए मोदी सरकार 2019 में पूर्ण बजट पेश करेगी, जबकि आमतौर पर कोई भी सरकार लोकसभा चुनाव होने की स्थिति में अंतरिम बजट पेश करती रही है। मोदी सरकार का पूर्ण बजट पेश करने का फैसला बताया जा रहा है कि उसे 2019 में दोबारा सत्ता में आने का भरोसा है। चुनावी साल में पेश होने वाले इस बजट के जरिए सरकार अपनी नीतियों की निरंतरता के संकेत भी देना चाहती है। सरकार की इस कोशिश पर एक सरकारी अधिकारी ने मिंट को बताया कि हम निरंतरता बरकरार रखेंगे, हम सिर्फ चुनाव के चलते अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जहां कभी भी खर्च में अंतर होगा हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। सरकार 2018 से 19 का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेगी, जो कि आमतौर पर अगली सरकार का काम होता है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर से ही 2019-20 के बजट की तैयारी शुरू कर दी थी। वित्त मंत्रालय की ओर से सभी मंत्रालयों को पत्र भेजकर 30 नवंबर तक अपने मंत्रालय से जुड़ी सूचना या सुझाव उपलब्ध कराए जाने को कहा गया था। क्या होता है अंतरिम बजट? आपको बता दें कि वित्त वर्ष के दौरान ही अगर आम चुनाव होने होते हैं तो स्थिति में अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है। इसके अलावा युद्ध या आपातकाल की स्थिति में भी अंतरिम बजट का प्रावधान है। अंतरिम बजट के लिए लोकसभा से अनुमति मिलती है, इस पर चर्चा भी नहीं होती है। नई सरकार आने तक सरकारी खर्चे के लिए अंतरिम बजट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से चलती रहे।